हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना 456 के। तो 456 को यहाँ पे लिखें, लास्ट डेट चेक करें 6 है, इवन है। 2 के टेबल में जब 6 आता है इसका मतलब पूरा नंबर ही 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। 2 के टेबल में 4 आता है 2s है, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 से छोटा क्या आता है 4 आता है 2 के टेबल में, तो हमने इसे कट करके 4 बना लिया। 2 के टेबल में 4 आता है 2s है, ये 5 था, जब कट होकर 4 बना इसका 1 इधर चला गया, बन गया 16। 2 के टेबल में 16 आ गया 8s है, अब लास्ट डेट चेक करें 8 है, इवन है। 2 के टेबल में 8 आता है इसका मतलब पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे। 2 के टेबल में 2 आता है 1s है, 2 1s है, और 2 के टेबल में 8 आता है 4s है। अब लास्ट डेट चेक करें 4 है, इवन है। 2 के टेबल में 4 आता है इसका मतलब पूरा नंबर ही 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। 2 के टेबल में 11 नहीं आता, 11 से छोटा क्या आता है 10 आता है, तो हमने इसे कट करके 10 लिख लिया। 2 के टेबल में 10 आता है 5s है, ये 11 है, तो कट होके 10 बना, तो इसका 1 इधर चला गया, बन गया 14। 2 के टेबल में 14 आ गया 7s है, अभी आ गया 57। अब चेक करें लास्ट डेट चेक तो 7 है, 2 के टेबल में 7 ही आता है इसका मतलब पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से कोई नंबर डिवाइड होता है कि नहीं, उसे चेक करने के लिए डिजिट्स प्लस करें। 57 है तो 5 में 7 प्लस करें तो क्या आता है 12 आता है। तो 3 के टेबल में हमने देखा 57 था ना, हमने देख क्या करना है डिजिट्स प्लस कर देना है, 5 में 7 प्लस किया तो 12 आता है। 3 के टेबल में 12 आता है इसका क्या मतलब पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 13 आता तो 3 के टेबल में 13 ही आता, इसका मतलब पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होना था, लेकिन हमने डिजिट्स प्लस किया तो 12 आ गया। 3 के टेबल में 12 आता है इसका मतलब पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, हमने यहाँ पे 3 ले लिया। 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 से छोटा क्या आता है 3 आता है, हमने इसे कट करके 3 बना लिया। 3 के टेबल में 3 आता है 1s है, ये 5 था, कट होकर 3 बना, तो इसका 2 इधर चला गया, बन गया 27। 3 के टेबल में 27 आता है 9s है, अब 19 आ गया, 19 2 के टेबल में आता है नहीं आता, 3 में आता नहीं आता, 5 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, इसका क्या मतलब है जब ये इन चारों में से किसी टेबल में नहीं आ रहा है इसका मतलब ये प्राइम नंबर है, ये अपने टेबल में ही आएगा, ठीक है। तो 19 ले लेंगे, 19 में 19 आ जाएगा, प्राइम फैक्टर 456 के ही आ जाएंगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 30 × 19। तो इस टाइम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट हो गए 456 के। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।